वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वीन लर्न फिजिक्स इन द इजिएस्ट वे टी एफ आर सीरीज में टू थाउजेंड इलेवन में आगे क्वेश्चन करने वाले हैं सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स द करेंट रेड बाई द एमिटर ए इज द सिचुएशन और फिगर इज गिवन टू यू ये सिचुएशन गिवन है, so है यहाँ पर एमिटर है और ये रजिस्टेंट के कॉम्बिनेशन गिवन है तो so एमिटर कितना करंट जो है वो रीड करने वाला है वो आपको ऑप्शन में से बताना है तो so यहाँ पर देख सकते हैं हम कि जो ये पॉइंट ए है दिस इज अगेन पॉइंट ए सिमिलरली पॉइंट बी है और ये पॉइंट बी है यहाँ पर हम सी बोलें और इसे डी बोलें तो ए और डी के बीच में हंड्रेड ओम का रजिस्टेंस है और यहाँ पे ए और डी के बीच में हंड्रेड ओम का रजिस्टेंस है तो दोनों पैरल कॉम्बिनेशन में होंगे सो वन अपॉन आर इक्विलेंट होगा यहाँ पर वन अपॉन हंड्रेड प्लस वन अपॉन हंड्रेड तो आर इक्विलेंट यहाँ से फिफ्टी ओम आ जाएगा सिमिलरली इन दोनों का भी रिजल्टेंट जो पैरल कॉम्बिनेशन होगा वो फिफ्टी ओम होगा तो हम इस सिचुएशन को ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं फाइव ओम यहाँ पर सिक्स वोल्ट की बैटरी यहाँ पर फाइव ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पर और फिफ्टी फिफ्टी ओम अमीटर से इस तरीके से कनेक्टेड है और हंड्रेड ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्टेड है अब यदि एक बार हम अमीटर को हटाकर करंट कैलकुलेट करना चाहें तो आप देख सकते हैं ये फिफ्टी और ये फिफ्टी ओम आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो दोनों एड हो जाएंगे हंड्रेड और ये हंड्रेड इसके साथ पैरल कॉम्बिनेशन में रहेगा सो इक्विलेंट सर्किट बन जाएगा यहाँ पर हंड्रेड और हंड्रेड का फिर से पैरल कॉम्बिनेशन फिफ्टी ओम देगा आपको यहाँ पर फाइव ओम यहाँ पर फाइव ओम तो इसमें केवल लगा सकते हैं यहां से हमने स्टार्ट किया प्लस माइनस करंट की डायरेक्शन में प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस माइनस तो यहां से शुरू करेंगे माइनस का सिक्स माइनस फाइव आई माइनस फिफ्टी आई अगेन माइनस फाइव आई इक्वल्स टू जीरो तो आई आपको मिल जाएगा सिक्स अपॉन फिफ्टी प्लस फाइव प्लस फाइव सिक्स बाई सिक्सटी दैट इज जीरो पॉइंट वन एम्पियर सो वॉट डज इट मीन की फाइव ओम वाले जो रजिस्टेंसेज हैं इनमें से जो करंट फ्लो हो रही है दैट इज पॉइंट वन एम्पियर यहां से पॉइंट वन एम्पियर करंट जो है वो फ्लो हो रही है तो यहाँ से हम देखें तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि पॉइंट करंट यहां से जा रही है राइट अब जब ये यह यहाँ पर जा रही है तो हंड्रेड और हंड्रेड ओम दोनों जो है आपके पैरल कॉम्बिनेशन में और इक्वल रजिस्टेंसेज है तो यहां पर जो करंट आपको मिलने वाली है और यहाँ जो करंट मिलने वाली है बोथ विल बी इक्वल तो हम बोल सकते हैं जीरो पॉइंट जीरो फाइव एम्पियर तो इधर चली जाएगी करंट और जीरो पॉइंट जीरो फाइव एम्पियर इस साइड चली जाएगी तो आपको निकालना है एमीटर में से कौन सी करंट कैलकुलेट होगी ये वाली तो जीरो पॉइंट फिफ्टी मिली एमपियर करंट जो है यहाँ से फ्लो हो रही है आप इसे फिफ्टी मिली एम्पियर लिख सकते हैं को मिली कैन बी एज टू जीरोस थ्री एम्पियर सो ये आपका आंसर आ गया तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द साइन ऑफ मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स इन अ डॉप्ड सिलिकॉन क्रिस्टल टू बी डिटर्माइंड एक्सपेरिमेंटली अभी यहां पर जैसे ही हम लोग देख रहे हैं कि जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर होंगे सिलीकन में जो कि डॉप्ड सिलीकॉन क्रिस्टल है तो वो हमें फाइंड आउट करना है तो जब भी आपको चेक करना होता है कि एन टाइप सेमी कंडक्टर या पी टाइप सेमी कंडक्टर या मेजोरिटी चार्ज कैरियर का साइन फाइंड आउट करना है तो आप कहाँ जाते हैं हॉल कॉफिशियंट पे जाते हैं आर एच विल टेल यू दैट विच टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर वी आर हैविंग सो हमें यहाँ पर क्वेश्चन जो है हॉल कॉफिशियंट से रिलेटेड है so in addition to a voltage supply the combination of instruments needed to perform the experiment is तो एक्सपेरीमेंट निकाल यहाँ पर कौन सा हमें करना है हॉल इफेक्ट वाला एक्सपेरिमेंट करना है जिससे हमें हॉल कॉफिशेंट फाइंड आउट करना है तो ऑप्शन देखिए थर्मामीटर तो नीडेड होता नहीं है तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया क्या हॉल इफेक्ट जब हम करते हैं तो हॉल इफेक्ट में क्या होता है कि एक कंडक्टर कंडक्टिंग मटीरियल होता है हमारे पास एक तरफ हम उसमें करंट फ्लो करते हैं एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं और उसकी वजह से चार्ज सेपरेशन होता है हॉल वोल्टेज डेवलप होता है और उसके थ्रू हम लोग वोल्टेज कैलकुलेट करके हॉल कॉफिशियंट कैलकुलेट करते हैं तो पिकअप कॉइल जैसा भी हमें कुछ नहीं चाहिए होता है हमें मैग्नेट चाहिए होती है मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करने के लिए वोल्ट मीटर और एमीटर ताकि हम वोल्टेज मेजर कर सकें और करंट मेजर कर सकें जिसके थ्रू हम हॉल कॉफिशेंट को मेजर कर सकते हैं सो आर एच वन अपन एनी होता है तो उससे हमें आइडिया लग जाता है कि किस टाइप का सेमी uh, कंडक्टर हमारे पास है सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर हीटर की भी ज़रूरत नहीं होती है तो ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गए तो डिस्कार्ड मैथड से आप इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली कर सकते हैं तो देखिए टी एफ आर में एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चनस भी आ रहे हैं जो आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन में भी आपको काफ़ी हेल्प करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्मॉल बट वेरी पावरफुल बार मैग्नेट फॉल्स फ्रॉम रेस्ट अंडर ग्रेविटी थ्रू द सेंटर ऑफ ए हॉरिजोंटल रिंग ऑफ कंडक्टिंग वायर बहुत अच्छा क्वेश्चन है इंड्यूस्ड ई एम एफ का और बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और इंटरव्यू के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये अभी हॉरिजॉन्टल रिंग है हमारे पास कंडक्टिंग वायर की और फिगर शोन है पर कि बार मैग्नेट है आपके पास एंड इस बार मैग्नेट को आप लोग एक कंडक्टिंग रिंग में से पास करवा रहे सो द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ आपको बताना है आर्बिट्री यूनिट्स ऑफ मैग्नेट विल करेस्पॉन्ड मोस्ट क्लोजली टू विच ऑफ द फोर प्लॉट्स चार ग्राफ के बने आपको और इसमें से आपको एक ग्राफ के लिए आ, पर्टिकुलर ग्राफ बताना है स्पीड और टाइम के बीच में वी और टी के बीच में ग्राफ है स्पीड और टाइम में क्या रिलेशन रहेगा देखिएगा वेलोसिटी और टाइम का डिफरेंट ग्राफ बनेगा वोल्टेज और टाइम का डिफरेंट ग्राफ बनेगा यहाँ पर स्पीड और टाइम का ग्राफ पूछा गया है तो स्पीड में आपको सिर्फ इसकी आ, जो डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करना डायरेक्शन का कोई रोल नहीं रहेगा वेलोसिटी में पूछा जाएगा तो सिचुएशंस विल बी डिफरेंट अब देखिए जब भी कोई मैग्नेट किसी कंडक्टिंग लूप में से पास होता है तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यदि चेंज होंगी क्योंकि पास में आएगा जैसे जैसे तो मान लेते हैं यहाँ पे एन साइड है तो इस तरीके से नंबर ऑफ जो फ्लक्स लाइन्स हैं वो इंक्रीज होने लगेगी तो इंक्रीज होने की वजह से इसमें करंट डेवलप होगी जो कि इस तरीके से डेवलप होगी कि वो इसका अपोजिशन करेगी तो हम मान लेते हैं ये यहाँ पे नॉर्थ पोल है यहाँ पे साउथ पोल है मैग्नेट का काज्यूम करते हैं तो ये जो कॉइल होगी इसमें नॉर्थ पोल पोल यहाँ पर क्रिएट होगा ताकि वो इसे रिपेल करेगा अपोजिशन के लिए तो फेराडेज लॉ और लैंड लॉ दोनों यहाँ पर काम कर रहे हैं फेराडेज लॉ क्या बोलेगा कि भाई जब भी हमारा फ्लैक्स चेंज हो रहा है तो उसमें की इंड्यूस होता है उसकी वजह से करंट जो है वो फ्लो होती है लैंड लॉ डायरेक्शन बताएगा कि भाई डायरेक्शन इस तरीके से रहेगी करंट की यहाँ से देखने पर कि ये नॉर्थ पोल यदि है यहाँ पर तो अपोजिशन कर रही है नॉर्थ से नॉर्थ को रिपेल करने की कोशिश कर रही है तो शुरू में क्या होगा जैसे ही बार मैग्नेट आपका फॉल होने लगा है बहुत लंबी डिस्टेंस से यहाँ पर काफी दूर है अभी और स्ट्रॉन्ग बार, बार मैग्नेट है तो जैसे ही आएगा तो पहले स्पीड इंक्रीज होगी फिर एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने के बाद अपोजिशन शुरू हो जाएगा क्योंकि फ्लक्स इसमें से चेंज होने लगेगा पहले तो कोई फ्लक्स पास नहीं हो रहा है जब दूरी पे है लेकिन जैसे आएगा एक मैक्सिमम वैल्यू के बाद रिपल्शन शुरू होगा और उसकी वजह से इसकी स्पीड जो है वो कम होने लगेगी फिर एक मिनिमम स्पीड आएगी जब इसमें से पास होकर यहाँ से निकलेगा जब ये यह यहाँ पर होगी बार मैग्नेट तो अभी क्या हो रहा है फिर से जो फ्लक्स जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है तो आपकी यहाँ तक एक पर्टिकुलर वेलोसिटी स्पीड तक इसकी स्पीड कम होगी पर्टिकुलर वैल्यू तक देन अगेन इसकी स्पीड बढ़ने लगेगी और जैसे जैसे दूर जाने लगेगा बार मैग्नेट इससे इसकी स्पीड बढ़ने लगेगी क्योंकि फिर इसका जो इफेक्ट है रिपल्शन का वो कम होने लगेगा और रिपेल करने की कोशिश यहाँ पर अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा जब ये वापस बाहर निकलेगी तो अट्रैक्शन तो भी इसकी वजह से एक बार डिक्रीमेंट होगा फिर वापस इंक्रीमेंट होने लगेगा जैसे जैसे दूर जाने लगेगी सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर है तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ध्यान रखेगा जब भी बार मैग्नेट एंटर कर रही है तो वहां पर अपोजिशन की वजह से रिपल्शन हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है स्पीड डिक्रीज हो रही है और जब वो उससे दूर जाने की कोशिश कर रही है तो एक बार फिर से इंक्रीमेंट हो रहा है जैसे दूर चली जा रही है फिर से जो उसकी स्पीड है वो बढ़ती जा रही है बाकी ऑप्शन भी देख सकते हैं कई बार यहाँ पर क्या होता है एक लॉन्ग सोलिनॉइड दे दिया जाता है एक बहुत लॉन्ग सोलिनॉइड है उसमें से एक बार मैग्नेट जा रही है तो वो इन्फाइनाइटली लॉन्ग सोलिनॉइड में से जब बार मैग्नेट जाती है ना तो फिर वो फ्लक्स में चेंज होता है शुरू में इंड्यूस करंट डेवलप होती है लेकिन एक टाइम के बाद में वहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी को अचीव कर लेती है तो वो डिफरेंट केस होता है वहाँ पर फिर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी एक्सेलरेशन और फोर्स जीरो हो जाएंगे वो लॉन्ग सोलिनॉयड का केस होगा बहुत इन्फाइनइटली लॉन्ग है तो नहीं तो फिर ये इस तरीके से ही वोल्टेज uh, जो मेजर करेंगे आप उसमें चेंजेस आएंगे सो ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं ए विल बी द करेक्ट आंसर सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग गिवन द आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ वन एच एंड थ्री लिथियम आर थर्टीन पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड फाइव पॉइंट थ्री नाइन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को आयनाइज करने की एनर्जी है दैट विल बी पॉजिटिव और जो इनकी स्टेट ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगी दैट विल बी निगेटिव आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रॉन को फ्री करती है न्यूक्लियर पोटेंशियल के अट्रैक्शन से द इफैक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ थ्री लिथियम आइटम इन टर्म्स ऑफ प्रोटोन चार्ज ई इज तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है लिथियम का उसके लिए हमें देखना है तो यहाँ पर देखिए ये हम न्यूक्लियस बोले यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे लीथियम में और जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो इस शेल में रहने वाला है ये न्यूक्लियस है जिसपे इफेक्टिव चार्ज जेड है तो ये जो आपकी एनर्जी होगी हाइड्रोजन लाइक एटम पर हम फॉर्मुलाज लगाते हैं की एनर्जी जो होती है एन एथ लेवल के लिए दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो यहाँ पर देखिए जो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एन इक्वल्स टू टू लेवल में है तो इसके लिए आप ई टू लिखेंगे लिथियम के लिए दैन इट इज गोइंग टू बी माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स जेड स्क्वायर अपॉन क्योंकि जेड की वैल्यू में निकाली है इफेक्टिव चार्ज कितना होगा और एन की जगह आ जाएगा टू का स्क्वायर और ये एनर्जी आपको केवन है माइनस फाइव पॉइंट थ्री नाइन इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाई वी आर हैविंग नेगेटिव साइन बिकॉज दिस इज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी बाउंडनेस वाली बाइंडिंग एनर्जी है इस एनर्जी लेवल के लिए तो यहाँ से आप देख सकते हैं जेड स्क्वायर को लिखा जा सकता है फाइव पॉइंट थ्री नाइन इंटू फोर अपॉन थर्टीन पॉइंट सिक्स तो यहाँ से जेड स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल जाएगी ड स्क्वायर विल बी वन पॉइंट फाइव एट फाइव तो यहाँ से जेड कितना हो जाएगा रूट वन पॉइंट फाइव एट फाइव दैन इट विल बी वन पॉइंट टू सिक्स तो इफैक्टिव जो चार्ज होने वाला है वो जेड ई होने वाला है दैट इज़ वन पॉइंट टू सिक्स ई तो ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं पहले भी बहुत बार तो इस तरीके से डील करना है आपको जो भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उसका लेवल आपको कंसिडर करना होगा और उस तरीके से आप जेड इफेक्टिव दिस इज दफेक्टिव चार्ज ऑन

फॉर फिज़िकल साइंसेस तो आप सुरभी लाइव यूज़ करके वहाँ पर अपनी सी एस आई आर नेट की टी एफ आर की जैस्ट बार बाकी जो भी एग्ज़ाम की फिज़िक्स से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं लाइव क्लासेज अटेंड कर सकते हैं बहुत सारे फीचर्स हैं कॉल करके अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं तो सुरभी लाइव यूज़ करना ना भूलें थैंक यू एवरी